नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आपके दिन भर के हाल की होगी, आपके जीवन के सवाल की होगी, बात करेंगे दिन को बेहतर बनाने की सलाह की और उनकी भी बात होगी जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन आज बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। आखिर कैसे प्रार्थना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं और कब प्रार्थना करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, आज बात होगी इसी प्रार्थना की, इस प्रार्थना की शक्ति की। लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि, नौकरी में प्रेशर बढ़ा हुआ दिखता है, लगता है आज तनाव बहुत होगा और इस दौर में करियर में बड़े बदलाव के योग भी दिखाई देंगे। विवाह के मामलों में, रिश्तों के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए खुश रहिए, मामला कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आज की सलाह यह है कि कार्यक्षेत्र में गलतियों से बचिए, बार बार ऐसी चीजें हो सकती हैं प्रेशर की वजह से जिससे आप गलतियां करें और मुश्किलें बढ़ जाएं। आज दिन को बेहतर बनाने के लिए घर से थोड़ी सी मिश्री खा के निकलिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा जो संभवतः कहीं यात्रा की है, कहीं जाने घूमने की है ना, वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। आपके तमाम वाद विवाद भी सुलझते हुए दिख रहे हैं और लगता है किसी यात्रा की संभावना तो है ही। आज की सलाह यह है कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं, इसलिए अब शांत हो जाइए, अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए और दिन को अच्छा बनाने के लिए जरा सा चंदन का सुगंध का प्रयोग कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा होगा। मिथुन राशि, आपके रिश्तों की, संबंधों की मुश्किलें दूर हो रही हैं, करियर में नए अवसर मिल रहे हैं और आपका आर्थिक मामला भी बहुत अच्छा बना हुआ है, चीजें बेहतर है। तो सलाह यही है कि समय का सदुपयोग करिए और जो काम आते जा रहे हैं निपटाते जाइए, काम को बिल्कुल मत टालिए। आज अपने साथ एक पेन जरूर रखेंगे, इससे आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल पे बात करें, उसके पहले बात करते हैं कि आखिर प्रार्थना होती क्या है और किस तरह से प्रार्थना काम करती है। ईश्वर से अपने मन की, अपने हृदय की बात जो कहना है ना, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। जो हम मंत्र जपते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, ये भी दरअसल डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पे कार्य करती है, धीमे धीमे काम करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से बदल देती है। कभी कभी आपको बदल देती है और कभी कभी समस्या को बदल देती है। तो प्रार्थना धीरे धीरे परिवर्तन करती है अगर निरंतर की जाए तो। कभी कभी बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो इसके परिणाम बहुत जल्दी पैदा होते हैं। ऐसी दशा में प्रकृति में, जीवन में, भाग्य में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, तकरीबन हर धर्म मत में, हर परंपरा में सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक ध्यान, भजन, कीर्तन की बात की गई है, क्योंकि जो ज्वाइंट इफर्ट होगा ना, जो संयुक्त रूप से प्रार्थना की जाएगी, उसके परिणाम बड़े चमत्कारी होते हैं और उससे बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना सफल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, प्रेशर आज बहुत दिखाई देता है, तनाव बढ़ा हुआ है और इस वजह से आपको सेहत में आज कमजोरी महसूस हो सकती है, सेहत की दिक्कत हो सकती है। किसी महिला का, किसी वृद्ध पुरुष का सहयोग आपको मिल सकता है, वो सहयोग लेने में हिचकिचाइएगा नहीं। आज की सलाह ये है कि यात्रा और महत्वपूर्ण कामों से आज बचना चाहिए और घर से निकलते समय पूजा के स्थान से जरा से फूल लेकर निकलिएगा तो कम से कम आपका दिन बेहतर होगा। सिंह राशि, परिवार की तमाम मुश्किलों को आप सुलझा पाएंगे, करियर में आपके सुधार होगा और जीवन को सुधारने का प्रयत्न भी आप कर रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। आज की सलाह देखिए ये है कि चीजें जब बेहतर हो रही हैं तो कम से कम अब तो इतना मान जाइए कि अपनी बातें दूसरों पर मत थोपिए और आज किसी धार्मिक स्थान पर जाइए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका मन कैसा है और आपसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। कन्या राशि, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आज आपका बन जाएगा, काम का दबाव भी कम होगा लेकिन आपका मन आज बहुत प्रसन्न रहेगा और इस वजह से आप चीजों को कर भी पाएंगे अच्छी तरह से। आज की सलाह ये है कि जिम्मेदारियों को निभाइए, काम मत टालिए क्योंकि वक्त बहुत अच्छा है, इस समय सारा काम आप चुटकियों में निपटा सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, बहुत सारे लोग आपसे कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना सुनते नहीं, मेरी प्रार्थना स्वीकृत नहीं होती, आखिर कारण क्या है?
क्यों कभी कभी प्रार्थना स्वीकृत नहीं होती, क्यों नहीं होती? देखिए, जब आप बिजनेस की तरह बात करते हैं, लेन देन की तरह बात करते हैं ना, तो ये प्रार्थना असफल हो जाती है। भगवान मुझे पास कर दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान ऐसा कर दो, मैं वैसा करूंगा। कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है प्रार्थना। आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आप डील कर रहे हैं। और जब प्रार्थना में डीलिंग होती है तो प्रार्थना सफल नहीं होती। जब आपका आहार नियंत्रित नहीं होता, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो भी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती है। एक तरफ आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और दूसरी तरफ आप ईश्वर से उम्मीद रखते हैं, तो यहां भी काम नहीं होगा। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी प्रार्थना तो स्वीकृत हो ही नहीं सकती। अगर आपकी प्रार्थना से आपका नुकसान हो सकता है, तो भी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती है। मान लिया आपने प्रार्थना की कि मेरी ये यात्रा वाला काम हो जाए, और ईश्वर को पता है कि इस यात्रा में जाने से दुर्घटना हो सकती है, तो आपकी ये प्रार्थना स्वीकृत नहीं होगी। और जो लोग अतार्किक प्रार्थना करते हैं, वो भी अस्वीकृत हो जाती है। सूरज पश्चिम से निकल जाए, दिन में रात हो जाए, रात में दिन हो जाए, जो लोग ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थना करते हैं जिसका होना संभव ही नहीं है, ऐसी प्रार्थना भी कभी स्वीकृत नहीं होती। बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज के राशिफल की, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। अमित कुमार ने हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 10 मई 1975। जन्म का समय है रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। अमित कुमार लिख रहे हैं कि कारोबार में पैसा काफी फंस गया है, काफी डूब गया है, कैसे अपने पैसे को बाहर निकालें और कारोबार में उन्नति के लिए क्या करें। अमित, जो कुंडली आपकी बनती है, इस कुंडली में दो बातें बहुत प्रमुख हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, उतनी ईमानदारी से ना तो मेहनत करते हैं ना तो काम करते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। इसमें जो करियर वाले प्लेनेट है, जो कर्म वाले प्लेनेट है, मंगल है, सूर्य है, फायर की मात्रा है, वो काफी गड़बड़ है। इसी वजह से आप ये सोचते हैं कि थोड़ा ही काम करके काम चल जाए। नहीं, आपको खूब मेहनत करनी होगी, कारोबार आपका खुद बखुद चलने लगेगा। कारोबार आपका बिल्कुल सही है। जहां तक पैसे के फंसे होने का सवाल है, आपके पैसे के डूबने का प्रश्न है, उसके लिए आपको दो उपाय करने चाहिए। एक तो आप रोज सुबह स्नान करके कम से कम 3 बार बैक टू बैक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और दूसरा एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। आखिर प्रार्थना कैसे की जाए कि प्रार्थना सफल हो जाए, प्रार्थना स्वीकृत हो जाए, बात करेंगे इस पर, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, आज कोई बड़ी समस्या आपकी हल होने वाली है। अगर आप कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन धन का खर्च आपको काफी परेशान कर सकता है, काफी बढ़ सकता है। देखिए, सलाह ये है कि बिना कारण के दिखावे में धन खर्च ना करें, और घर से निकलते समय घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लें। वृश्चिक राशि, आज आपका डिसीजन गलत हो सकता है, आपका भरोसा आज टूट सकता है, ध्यान रखेंगे, और आज चोट की चपेट में ना आ जाएं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किसी मित्र की सलाह लेते हैं, किसी से इस संबंध में बात करते हैं, तो वो सलाह आपके लिए लाभकारी हो सकती है। आज की सलाह ये है कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, उस मामले में लापरवाही ना करें, और घर से निकलते समय मिश्री खा के निकलेंगे तो कम से कम मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, आज का दिन रिश्तों में मुश्किलें पैदा कर सकता है, और आज काम करने में भी थोड़ी मुश्किलें दिखाई देती हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन देर शाम तक जाते जाते मुश्किलें कम होंगी और आपको राहत मिल पाएगी। आज की सलाह यह है कि हर छोटी छोटी बात पर परेशान होना बंद कर दीजिए, हर बात पर परेशान होने से काम नहीं चलेगा। और आज नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, दिन आपका बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि आखिर प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना के नियम क्या होंगे। देखिए, सही तरीके से अगर आप प्रार्थना वाकई में रेगुलरली करें, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। भगवान से किसी चीज को कहने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रार्थना उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आप आसानी से अपनी बात कह सकते हो। शांत वातावरण में, विशेष तौर से मध्य रात्रि के समय, मिडनाइट के समय की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होती है। प्रार्थना एकांत में करें, शांत मन से करें, और निश्चित समय पर रोज करते रहें, रेगुलर करते रहें ना, तो ज्यादा अच्छा होगा।
दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कभी प्रार्थना ना करें और कोई अतार्किक जिसका कोई तर्क ही न हो ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थना भी न करें। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के भलाई के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के काम के लिए प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना के पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचें, आंख बंद करके उसका चेहरा देखें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें और तब प्रार्थना करें। ऐसा करने से प्रार्थना उस तक पहुंचेगी और उसका काम हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, आज काफी दौड़ भाग रहने वाली है, करियर में कुछ बदलाव होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा वाद विवाद दिख रहा है। आज की सलाह ये है कि अपनी सेहत का और अपनी वाणी का ध्यान जरूर बनाए रखेंगे और थोड़ी सुगंध का प्रयोग करेंगे ताकि दिन आपका बेहतर हो, मुश्किलें थोड़ी कम हो। कुंभ राशि, करियर में बड़े अवसर के योग दिखाई दे रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है और ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों आपने गलतियां की हैं, गलतियां हो गई हैं, उन पर आपको पश्चाताप होगा। आज आपका मन शुद्ध हो रहा है। सलाह ये है कि अपने स्वभाव को, अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करिए। खाली पेट घर से बिल्कुल मत निकलिएगा वरना दिन भर आपको मुश्किलें परेशान करेंगी। मीन राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और आपको चोट भी लग सकती है, ध्यान रखिए। धन की हानि हो सकती है, पैसा गिर सकता है, पैसा गायब हो सकता है, तो आज की सलाह यही है कि आज बहुत सावधानी बनाए रखें, आज अलर्ट रहने में ही बुद्धिमानी है। और आज सफेद रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। बात की आपके दिन भर के राशियों के हाल की और ये समझा कि दिन कैसा जाएगा। अब जानते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपको रिश्तों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, संबंधों में थोड़ी समस्या हो सकती है, विवाह के मामलों में, संतान प्राप्ति के मामलों में भी थोड़ा विलंब है। इनका विवाह नहीं हुआ है उसमें थोड़ा विलंब होगा और संतान होने में तो विलंब होगा ही होगा। आर्थिक स्थिति हालांकि बहुत अच्छी रहेगी इस साल में, फाइनेंशियली आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और वर्ष के अंत तक आते आते आपका करियर बड़ा अच्छा होगा और विदेश यात्रा की अच्छी संभावना भी बन जाएगी। इस वर्ष की सलाह ये है कि पूरे वर्ष देवी की, खासतौर से माँ दुर्गा की उपासना करना बड़ा अच्छा होगा और पूरे साल जितना व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, सफेद रंग का प्रयोग करेंगे, उतने ही ज्यादा सफल आप हो पाएंगे। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, नमस्कार।